हमारी फुल ईयर फोर्थ क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन है अराउंड 19 रुपीज़, जो कि फुल ईयर की अर्निंग फोकास हो जाएगी अराउंड 85 रुपीज़। इसका बेसिक रीज़न ये है कि इसके अगर हम लूज मार्जिन देखें, लूज मार्जिन काफ़ी हेल्दी रहे, प्लस अगर इसका नॉर्मली होता था कि इसका जो नॉन ल्यूब्स सेगमेंट के जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हमेशा ब्रेक इवन पे रहता था, बट करेंटली वी आर सीइंग इट कि इट्स स्टिल मेकिंग मनी फ्रॉम द नॉन ल्यूब सेगमेंट एज वेल। तो कंबाइन करके वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 85 रुपीज़ अर्निंग विद द डिविडेंड ऑफ 40 रुपीज़। नेशनल रिफाइनरी में जो प्रॉफिटेबिलिटी में हम ल्यूब का सेगमेंट देख रहे हैं, इट्स अराउंड 80% ऑफ द इंटायर प्रॉफिटेबिलिटी, और जो रेस्ट 20% है डेट वुड बी फ्रॉम द नॉन ल्यूब सेगमेंट। द नॉन ल्यूब सेगमेंट उसका जो प्रॉफिट जनरेट कंपनी ने किया थ्रू आउट द रीज़न बींग इज़ के ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन कंपनी के हाई रहे कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन हैं क्या? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रूड ऑयल प्राइसेस विच इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द कंपनी एंड द फाइनल प्रोडक्ट प्राइस। अब इसका जो डिफरेंस है दिस हैज़ बीन इन अ हायर साइड, रीज़न बींग इंटरनेशनल प्राइसेस जो होती हैं वो थोड़ी हाई साइड में, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया विद द लोअर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन जो हैं वो पाकिस्तानी रिफाइनरी कंपनीज को भी उन्होंने बेहतर रियलाइज़ किए कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। ओके, अगर फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली अगर इन अ हायर साइड अगर है तो ये रिफाइनरीज के लिए नेगेटिव है। रीज़न ये कि जो हमारी प्राइसेस फॉर द फाइनल प्रोडक्ट सेट होती हैं वो PSO की इंपोर्ट प्राइस पे सेट होती है, जो कि थ्रू आउट द मंथ सेम रहती है। अब अगर ड्यूरिंग द मंथ अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो ऑब्वियसली जो रिफाइनरीज हैं कंपनीज हमारी वो इंपोर्ट करेंगे विद द हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस। उसकी वजह से उनका जो इन्वेंट्री लॉस, पहली बात इन्वेंट्री लॉस आएगा और GRMs भी थोड़े स्क्वीज हो जाते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आपका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में, जो कि हमने जनवरी फेब के मंथ्स में हमने ऑब्जर्व किया था, तो वहाँ पर हमारे GRMs भी काफ़ी इंक्रीज किए थे, रीज़न कि हमारी प्राइसेज जो थे हायर साइड पे सेट हुई हुई थी और जो क्रूड ऑयल जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे वो हमें चीपर पड़ रहा था रिफाइनरीज को, तो उसकी वजह से इसकी ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे थे। तो दिस इज सम वॉलीटिलिटी इज नॉट एट ऑल फेवरेबल फॉर एनी बिजनेस, बट इफ़ इट्स ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड देन ऑब्वियसली इट्स फेवरेबल फॉर द रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी की इस साल फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी लो साइड पे रही थी, क्योंकि इसकी अगर बुक्स अगर हम देखें इतना ज़्यादा डेट नहीं है इसकी बुक में, बट गोइंग फॉरवर्ड कंसिडरिंग इसके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आइसोमराइजेशन एंड डीसल्फराइजेशन, जो कि 35 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट है, तो उसकी इसने फाइनेंसिंग अराउंड 80% ये डेट पे जाएगा और इसने फाइनेंसिंग ऑलरेडी अप्रूव करवाई है फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। सो ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉम ऑफ लाइक फिस्कल ईयर 18 फाइनेंस कॉस्ट इसकी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, प्लस जो हमारा एक इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है कि हम रिवर्सल यहाँ से हम देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर से, तो वो भी एक एड ऑन करेगा टू द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ NRL। अटक रिफाइनरी की फोर्थ क्वार्टर की का हम लोग लॉस देख रहे हैं अराउंड 2 रुपीज़। रीज़न इसकी जो अर्निंग्स आती हैं दो सेगमेंट्स आती हैं, एक इसकी कोर अर्निंग्स होती हैं और दूसरी इसकी अदर इनकम्स होती हैं। अब अदर इनकम में इसका बेसिकली अटक पेट्रोलियम से डिविडेंड आता है और अटक जेनको से आता है, जो कि फोर्थ क्वार्टर में इसका कोई डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे कोई आएगा, तो वहाँ से इसको जो हमेशा सपोर्ट मिलती है टू इट्स कोर प्रॉफिटेबिलिटी वो इस क्वार्टर में नहीं मिलेगी। तो जहाँ तक अब इसकी कोर बिज़नेस की बात रही है, कोर बिज़नेस में इसने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के जो अभी चल रहे हैं आइसोमराइजेशन एंड डीसल्फराइजेशन प्लस एक्सपेंशन, उसकी वजह से इसने अपनी रिफाइनरी कुछ डेज के लिए बंद रखी थी फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स, तो उस बेसिस पे इसके कोर से लॉस होगा। So that's why we are assuming के in total the company would be making a loss of about 2 rupees for the quarter. Full year की हमारी expectation है 14 rupees की earning अटक refinery की। इसने interim अटक refinery ने कोई interim dividend नहीं दिया था, but ये कि हम final में भी dividend forecast नहीं कर रहे हैं, reason obviously इसको अपनी equity portion inject करनी थी for its own project going on, तो वहाँ से ये dividend payout नहीं करेगा। ATRL की अभी जो ऑनगोइंग आइसोमराइजेशन डीसल्फराइजेशन चल रही है, इसका जो फुल फ्लैश कंपनी अपने ऑपरेशंस में आएगी डेट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 17, और बोरिंग $250 मिलियन का पूरा प्रोजेक्ट है
और उसकी बोरिंग वुड बी अराउंड 75%। तो इसका भी हम गोइंग फॉरवर्ड इसकी भी हमने इनकॉर्पोरेट किए हुए हायर फाइनेंस कॉस्ट गोइंग फॉरवर्ड। अटक रिफाइनरी 25% अपनी जो इसकी नेम प्लेट कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगी, विच इज़ अराउंड 1.9 मिलियन टन फॉर द ईयर। सो इसको 25% इंक्रीज करेगी। दिस इज़ द वन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। सेकेंड इज़ आइसोमराइजेशन। नेफ्ता पाकिस्तान यूज टू एक्सपोर्ट टू मिडल ईस्ट, बट नाउ आफ्टर द आइसोमराइजेशन अराउंड 85% जो करंट प्रोडक्शन लेवल है फ्रॉम नेफ्ता, डेट विल बी कन्वर्टेड टू MS मोगैस प्रोडक्शन ऑफ अटक रिफाइनरी। एंड द थर्ड इज डीसल्फराइजेशन। इट्स मैंडेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू कन्वर्ट द रिफाइनरीज टू हायर ग्रेड डीजल। तो उसका ये तीसरा प्रोजेक्ट है। सो इन तीन प्रोजेक्ट्स का जो हमने अर्निंग इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो अराउंड 5 रुपीज़ का हमने अर्निंग इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। प्लस अगर डीम ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ाती है, विच इज़ 7.5% करंटली, एंड इफ़ इट इंक्रीज टू 9%, सो द डिफरेंस ऑफ 1.5% विल ऑल्सो हैव द अर्निंग इम्पैक्ट ऑफ अराउंड 1.5 रुपीज़। बट अगर हम कैश फ्लो बेसिस पर बात करें, ऑब्वियसली कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन जब हम ऐड करते हैं तो वो फर्दर अराउंड 5-6 रुपीज़ में ऐड कर देगा कैश फ्लो बेसिस पर। एंड वन लास्ट थिंग, BMR अभी लेटेस्ट बजट में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिए फॉर द BMR टैक्स क्रेडिट, 10% टैक्स क्रेडिट। तो अराउंड इनके जो मशीनरीज एंड प्लांट्स की जो टोटल कॉस्ट है उस पर अराउंड 10% को टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा फॉर द फिस्कल ईयर 17 अर्निंग्स, दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज वेल। ऑगस्ट के करेंटली मार्जिन अराउंड $6.5 पर बैरल वी आर एस्टिमेटिंग, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द फिस्कल ईयर 16 GRMs ऑन एन एवरेज बेसिस। रीजन बींग करेंट, अच्छा मंथ ऑन मंथ अगर हम बात करते हैं तो इट्स अराउंड 15% हायर ऑन मंथ कंपेरिजन। रीज़न इसका जो रिकवरी का फॉर द करंट मंथ इज़ फर्नेस ऑयल में इसने रिकवरी की है। फर्नेस ऑयल सिंगापुर की हम स्पेशली अगर बात करें तो उनकी इन्वेंट्रीज़ काफ़ी उनकी डिमांड पिक की है, उनकी इन्वेंट्रीज़ कम हुई है फॉर द फर्नेस ऑयल। तो वहाँ से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में फ्यूल ऑयल के प्राइस इम्प्रूव हुई हैं, विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द मार्जिन ऑफ पाकिस्तान एज वेल। तो वहाँ से इसको अराउंड $1.5 का इसको सपोर्ट मिला फ्रॉम द फर्नेस ऑयल सेगमेंट। सो दैट्स वाई वी आर सीइंग अराउंड $6.5 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो अभी नेक्स्ट मंथ शट डाउन रिफाइनरीज अपनी मेंटेनेंस के लिए शट डाउन करेंगे। क्रूड ऑयल प्राइसेस वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई न्यूज़ फ्लोज फर्दर कोई नहीं आते तो पॉसिबली क्रूड ऑयल प्राइस फर्दर नहीं चाहेंगे। दिस विल सपोर्ट GRMs। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, ओपेक एक मीटिंग अरेंज कर रही है इन द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ सेप्टेम्बर। तो अगर वहाँ से कुछ हम देखें कि फ्रीज जो उन्होंने अपना प्रोडक्शन लेवल अगर हम वो फ्रीज़ कर दें ऑन लोअर साइड, तो वहाँ से फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस रिकवर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो यस, देर इज़ समथिंग सम न्यूज़ फॉर द अपसाइड एंड फॉर द डाउन साइड एज वेल कमिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर।